टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया। और देखेगी दुनिया दो महाशक्तियों का क्या अलायंस हुआ है डिफेंस सेक्टर में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में, अपने दम दिखाने वाले ये तीन स्टॉक 2030 तक बनाएंगे दुनिया के शेयर धारक को अमीर और बहुत बड़ा अमीर। दोस्तों एक भी शेयर बेचना नहीं, 27 तारीख के बाद पता चलेगा कि आपने क्या खोया क्या पाया। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अमेरिका और अब पूरे दुनिया में दिखाएंगी अपनी डंका। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, जिसमें सबसे पुराना लोकतांत्रिक अमेरिका और दूसरा भारत तो है ही लोकतांत्रिक, हम एक हैं इंडो अमेरिकन। और ये तीन दिन से पूरी दुनिया देख रही है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ तो है। वो एक सावधान इंडिया आता था दोस्तों सोनी टीवी पे, उसमें एक दो करेक्टर थे, एक सुपर बॉस था और एक दया नाम का करेक्टर था। तो बोलता था वो उसका बॉस CID करके आता था, सोनी पे CID करके आता था, साधारण इंडिया में भी कुछ कुछ था लेकिन CID में आता था। तो बोलता था उसका बॉस दया जो करेक्टर था, दया कुछ ना कुछ तो है, तोड़ दे दरवाज़ा। उसी तरह जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति जी ने इसी तरह का कुछ अंदाज में कहा है, कुछ ना कुछ तो है इंडिया में, चलो तुम्हारे साथ हमें देते हैं टेक्नोलॉजी, देते हैं डिफेंस सेक्टर के अपनी साइंटिस्टों की बहुत सालों की मेहनत की, आपके साथ भी मैं करता हूँ। और इसी के देने TCS BLHL आपके पास है तो एक भी शेयर बेचना दोस्तों। अभी अभी आई अमेरिका से खबर, तीन शेयरों में भारी और लंबे समय के लिए एक भी शेयर बेचना नहीं, हर गिरावट में खरीदारी करना दोस्तों।